हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, क्या कभी सोचा है कि किसी भी मरीज में किसी भी दवाई की ओवरडोज हो जाए तो किन किन परेशानियों का उसको सामना करना पड़ सकता है और कैसे उन परेशानियों से मरीज को बचाया जा सकता है? चलिए जानते हैं गाइस। किसी भी दवाई की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना दवाई का इफेक्ट होता है उतना ही दवाई का नुकसान भी होता है। गाइज, आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज, आज बात करेंगे हम पैरासीटामोल की ओवरडोज होने पर बॉडी में किन किन ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या नुकसान होता है, पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है। गाइज, पैरासीटामोल एक ऐसी ड्रग है जिसे आम आदमी भी मेडिकल स्टोर से खरीद कर हड़कल या बुखार होने पर खा लेता है और बच्चों को भी खिला देता है, या फिर मरीज गलती से भी ओवरडोज खा लेता है क्योंकि डोज का पता रहता नहीं है मरीज को। तो गाइस, पैरासीटामोल की ओवरडोज होने पर लीवर डैमेज हो सकता है, प्लस किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है, और हेपेटिक नेक्रोसिस हो सकता है, रेनाल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है, जॉइंटिस भी हो सकता है, प्लस हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। गाइस, पेरास्टामोल की ओवरडोज होने पर लीवर पर इफेक्ट क्यों पड़ता है? देखिए, NAPQI पेरास्टामोल का टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, ठीक है, और NAPQI को न्यूट्रलाइज करता है ग्लूटाथायन जो कि लीवर में बनता है। अब लीवर हो चुका है डैमेज तो ग्लूटाथाइन बनेगा नहीं, और ग्लूटाथाइन नहीं बनेगा तो NAPQI को न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाएगा। तो NAPQI RNA और DNA से मिलकर बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा करेगा। गज टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादातर बच्चों में और लीवर डिसीज़ वाले पेशेंट में और एल्कोहलिक पेशेंट में देखे गए हैं। अब बात करते हैं गाइस टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स गाइस इसके स्टार्टिंग में जैसे कि उल्टियाँ लग सकती हैं, उकाइयाँ आ सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है और लीवर टेंडनेस हो सकती है। अब बात करते हैं गाइस पेरास्टामोल का एंटीडोट क्या होता है। गाइस, पेरास्टामोल का एंटीडोट N-acetylcysteine सिस्टिन होता है। अब बात करते हैं गाइस इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है चारकोल से, जिससे कि पैरासीटामोल जो पेट में गया है उसको एब्जॉर्ब होने से रोका जा सके, और ओरली 75 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हर 4 घंटे में या 6 घंटे में N-acetylcysteine दिया जाता है 3 से 4 दिन तक। गाइस, पेरास्टामोल को एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। गाइस, पेरास्टामोल की ओवरडोज होने के 8 घंटे के अंदर अगर N-acetylcysteine की डोज दे दी जाए तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। और गाइस, अगर सीरियस कंडीशन है पेशेंट की तो उसमें गैस्ट्रिक लवाज तो किया जाता है जिससे कि पेट को साफ किया जा सके, प्लस N-acetylcysteine IV रूट से दिया जाता है। फर्स्ट डोज इसकी 150 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 200 ml D5 में मिलाकर 15 मिनट में दी जाती है, और सेकंड डोज इसकी 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 500 ml D5 में मिलाकर 4 घंटे में दी जाती है, और थर्ड डोज इसकी 100 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1000 ml D5 में मिलाकर 16 घंटे में दी जाती है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और एंटीडोट के बारे में आगे बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो बाकी एंटीडोट के ऊपर ही आने वाली है। थैंक यू।